डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की स्किल नंबर 19 जो कि टॉवल स्टैंड है उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका फिफ्थ डिवीजन कर लिया था। ये एलिवेशन है, ये साइट और ये प्लान है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली स्केल है। यहाँ देखिए, इसमें दो पोल्स लगे हुए हैं, ये है और एक ये है, ठीक है। नीचे इसका बेस है और ये है 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर ये पोल्स खड़े किए गए हैं और इसके बीच में ये डंडियाँ लगी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कपड़ा सूखने डालने के लिए, ठीक है। आइए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ से जब हम इसका एलिवेशन देखेंगे तो क्या देखते हैं, एलिवेशन में ये वाला हिस्सा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये प्लान का हिस्सा है ऊपर वाला, एलिवेशन में सिर्फ ये दिखाई देगा और ये। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, कितना है, यस ये लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर और 8 बाई 5 है ये। तो 5 लंबा है और 8 ऊंचा है, ठीक है, ध्यान रहे इसका। ये लिखा हुआ है 8 बाई 5, 5 लंबा और ये देखिए यहाँ भी 5 है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसकी चौड़ाई ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बनेंगे, रेक्टेंगल आयतें होंगी 8 बाई 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। आइए इनको शुरू करते हैं हम। और स्किल कार्ड इसमें लगा हुआ है 1:10 का, ठीक है। ओके, सबसे ऊपर आप एलिवेशन में ये था पूरा 100 सेंटीमीटर, इसको आप 10 10 नहीं, लंबाई बताई मैंने इसकी 5 सेंटीमीटर, ये 5 5 और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 इतना ही आप नीचे भी यहाँ पहुँच नहीं पाएगा स्किल कार्ड, शायद यहीं लगा देते हैं। यहाँ भी 5 सेंटीमीटर लगा देते हैं ये, और यहाँ भी दोबारा से ये हो गया और यहाँ भी लगा देते हैं 5 5 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लगाने हैं आपने, ये हो गया और ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब आप कोशिश करें बड़ा स्केल लेके इनको मिलाने की। हाँ, ये पहुँच गया यहाँ पे, शुक्र है। और ये ठीक है, ओके। तो ये हम पक्की ही लाइन लगा देंगे पर ज़्यादा डार्क नहीं लगाएंगे, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ भी, ये हो गया। अब एलिवेशन में देखते हैं, एलिवेशन में हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर ऊंचे रेक्टेंगल्स चाहिए, 8 सेंटीमीटर ऊंचे, ओके। यहाँ से लगा देता हूँ मैं, ये यहाँ पे हो गया 8 और 8 ही यहाँ भी लगा देते हैं 8, ओके। साइड में आप इसको पूरा लगा लें यहाँ पे, और यहाँ भी पूरा ही लगाना है, ये यहाँ तक। अब ये हो गया, अब क्या करना है, यहाँ देखिए बुक के ऊपर यहाँ ये है एलिवेशन। एलिवेशन में हमने ये और ये तो बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये फट्टी लगी हुई है, पर ये फट्टी पूरी जितनी ये ऊंची थी 8 सेंटीमीटर उतनी ऊंची नहीं है, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमने ये लाइन लगाई, इससे नीचे को 3 सेंटीमीटर करना है आपने, एक दो तीन तीन और यहाँ भी 3 लगा देते हैं, ये 1 2 3 और इसको मिला देंगे हम ऐसे,
ये हो गया, ये 3 सेंटीमीटर की है, ध्यान रहे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें, ये दो पोल हैं, एक ये और एक ये ऊपर को जा रहे हैं, ये वाले, ये और ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो हमने बना दिया, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर ये वाली जगह है, ये जो 16 लिखा हुआ है, परंतु ये हमें एलिवेशन में नहीं दिखाई देने वाली, ये प्लान का हिस्सा है, ठीक है। इससे ऊपर ये चीज़ है, ये जो ये तिरछी चीज़ लगी हुई है, पर एलिवेशन में ये तिरछी नहीं दिखाई देगी। ये है, ये जो ये लाइन है ये तो यहीं पे आ जाएगी, और ये जो ये ऊपर वाली लाइन है ये यहाँ से कितना ऊंचा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर लाइन लगानी है आपने, दस, और यहां भी लगा लें 10 ही, ये हो गया, ठीक है। अभी हमने एलिवेशन में ही काम करना है, तो एलिवेशन में ये दो पोल लगाए हुए हैं ऊपर को, इनको 10-10 सेंटीमीटर पे लाइन लगा देनी है आपने, ठीक है, ये हो गया। यहाँ बीच में आएगी अभी, उसको हम बाद में करते हैं, ओके, ये भी हो गया। और इसके बाद पूरा पोल ऊपर तक खाली है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं साइड की तरफ, ये डंडियाँ बाद में लगाते हैं एलिवेशन में, साइड में बना लेते हैं क्या क्या बनेगा। साइड में हमने क्या किया हुआ, अभी ये बेस बनाया हुआ है, ये जो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये बनाया हुआ है हमने, ठीक है। अब हमने ये देखना है, ये जो ये बेस है 8 सेंटीमीटर वाला, ये बनाया हुआ है यहाँ पर हमने। इसके ऊपर यहाँ पर देखें, ये सबसे बीच में 8 सेंटीमीटर चौड़ी, ये जो ये पोल है सामने से 5 है और साइड से 8 सेंटीमीटर है, तो सबसे बीच में ये 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर पीछे से ये देखते हैं हम, ये कितना है, 16 सेंटीमीटर, आगे से भी 16 है, पीछे से भी 16 है, ठीक है, 16। फिर उसके बाद ये है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो इस साइड को भी ये 10 ही आएगा, 16 और 10 और 8, ओके, 16, 10 और 8 कितना हो जाता है, 16, 10 और 8, ये 34 हो जाता है। और ओह माय गॉड, ये तो गलत हो गया यहाँ पर, ओह 16 और यहाँ कितना किया था हमने, 16 और 16 32, 10 और 10 20, 20 और 8, ये कैसे हो गया हमारे पास 34, 16 और 10 26 और 8 34, 34, ओके, ये मैं डबल कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये है हमारा 34, और 34 के आगे हमारे पास यही बचा हुआ है, यहाँ इसको हमने उस साइड कवर कर लिया हुआ है 8 को, तो इधर को सिर्फ हमारे पास 16 और 10 ही बचेंगे, तो 34 और 26, ये हो गया 6 और 4 10, लाइ 1 5 और 1 6, ये 60 हो गया, ठीक है, ओके, गुड। अब हम ये करेंगे 16, 10 और 8, ये पूरा 60 है, 10, 15, ये 16, 16, और आगे था 10, 10, ये 16 हुआ, 4 बच गए, और 4 इसके 6 इसके कर लेते हैं हम, ये हो गया 10, 10, और ये खुद है 16 और 10, और फिर है 8, ओके, ये 6 पे आया, 4 बच गए, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया। और इधर को भी ये 26 बचना चाहिए, ओके, ठीक है, 26 है। ऊपर भी ऐसे ही लगा देते हैं हम निशान, ऊपर हमने सिर्फ बीच वाले पे निशान लगाना है। ये आएगा हमारा, ये है 16 और ये है 10, 16 और 10 26, 26 के आगे हमने 8 लगाना है, ठीक है, डायरेक्ट, ओके, ये 20, 25 और ये 26, 26 के आगे 30 होने के लिए 4 बच गए, तो 4 ये और 4 इससे आगे, ये हो गया 8 हमारा, ओके, ठीक है। नीचे भी लगा सकते हैं इनको आप, पहले 16, 16 और इसके 4 बच गए, 4 और 6 इसके देने हैं, ये 10 और 4 इसके बच गए, 8 करना है इसको पूरा, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया, ठीक है। पहले हम साइड में लाइंस लगा लेते हैं, ये और
ये, ठीक है, ये बीच में पोल बन गया, ये लाइंस मिटा दी जाएंगी, ठीक है, ओके। अब यहाँ ये जो इसका प्लान है, प्लान में ये जो ये पोल हैं ये बिल्कुल सेंटर में आएंगे, ठीक है, और प्लान में दिखेगा हमें, ये देखिए ऊपर से जब हम व्यू देखेंगे तो ये बीच में आएगा 8 सेंटीमीटर, और इधर से 16 सेंटीमीटर पे एक लाइन आएगी, मतलब यहाँ से हम चलेंगे 16 सेंटीमीटर पे लाइन, यहाँ से चलेंगे यहाँ 16 सेंटीमीटर पे लाइन, 16 के बाद 10 आगे और चलेंगे और उसके ऊपर फिर से लाइन आएगी, 10 के बाद 8, और फिर वैसे ही 10 और 16 की ये अपने आप ही हो जाएगी, ओके। उससे पहले हम यहाँ पे प्रोजेक्शन खींच लेते हैं, उससे हमें हेल्प मिल जाएगी। ओके और यहाँ लगा देता हूँ मैं निशान, कहाँ गया, 1 10 1 5 10 का स्केल कार्ड ये है, ओके। यहाँ चलते हैं प्लान में, सबसे साइड में हम लगाएंगे 16, ये 15, ये 16, 16 के बाद 10, 16 के बाद ये 4 बज गए, 4 इसके और 6 इसके, ये हो गया 10, और 10 के बाद 8 लगाना है, 4 ये बच गए, 4 अगले वाले के लेंगे, ये हो गया, और यहाँ हमें 10 पे लाइन लगानी है, 4 इसके यूज हो चुके हैं, 6 बच गए हैं, 6 के बाद ओके इसको सरका ही लेता हूँ आगे, ये हमने 10 लगाना है पूरा, ये और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ भी लगा देते हैं, ये पूरा है हमारा 60 सेंटीमीटर, ये 16, 16 के बाद 10, 4 इसके यहाँ से लेते हैं और 6 इसके यहाँ से लेते हैं, ये हो गया 10, और इसके बाद 8 लगाना है, ठीक है, ये 4 इसके और 4 इसके, ये हो गया, और 10 इससे आ गया और लगा देना है आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये जो बीच में था ये 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये वाली पट्टी ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसको ही आपने बीच में कनेक्ट करना है, सबसे बीच वाली 8 वाली, ठीक है, ये वाली, पर ये पट्टियों के ऊपर हाँ जाएगी, ओके, और इससे आगे इसको डॉटेड ले जाते हैं हम आगे, ये हो गया, और यहाँ पर ओके ये लग गया। अब यहाँ पर ये लगाए हुए मैंने पॉइंट्स 10-10 के, इनको भी आगे ले जाना है, परंतु ये सिर्फ ये जो ये वाली पट्टी है और ये वाली, इसी में ही लाइन लगाएंगे ये, ठीक है, आगे इनको ले जाऊंगा मैं आगे तक, ये यहाँ और ये आगे चले गए हम, और यहाँ भी ये हो गया, यहाँ ही हो गया, इससे आगे डॉटेड ले जाएं इसको, ओके। यहाँ पर ये लाइन इरेज कर दी जाएंगी, ठीक है, यहाँ हम पहुँच गए हैं, यहाँ मैंने ये लगाया हुआ है 10 पे, यहाँ भी, और ओके यहाँ आएगा 10 सेंटीमीटर, ये कितना है, 26 है, ठीक है, 26 के बाद यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये हो गया, और ऊपर को भी 10 लगा देते हैं, लगाया ही हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया पॉइंट और ये आ गया, इसको और इसको मिला देना है और इसको और इसको मिला देना है, ये और ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट्स भी लग गए आपके, ये 10 है, ऊपर को भी 10 है, ठीक है, बीच में ये 8 है, और ये भी हो गया,
इनको नीचे उतार देते हैं हम यहाँ से। ओके ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर डंडियाँ लगाने को बचती हैं हमारे पास एलिवेशन में। अब देख लेते हैं वो कितने कितने दूरी पर लगी हुई हैं। ठीक है, ये है, ये जो हमने ये वाली लाइन लगाई है इससे ऊपर से शुरू होते हैं पहले 34, और इनकी अपने अपने सभी की दो दो सेंटीमीटर मोटी हैं ये, 34 फिर 23 23 23। ठीक है, और ऊपर 6 बचता है हमारे पास, ये दो दो के हैं। ठीक है, 34 2 23 ऐसे करके, तो इसको हम यहाँ लगाते हैं। ये पूरा है 150। ओके 150, ऊपर से 6 बोला है इन्होंने, 6 और 6 के बाद है 2 2, और फिर 23 का गैप है, ये 2 हो गया, 2 2 बच गया 10 होने के लिए, ये 10 और ये 10 20 और ये 22 और ये यहाँ पर 23, 23 के बाद फिर से 2, ये हो गया, और आगे फिर से 23 है। इसका कितना यूज हो गया, 1 2 3 यूज हो गया इसका, 3 और बच गया 7, 7 और 10 17, 17 और 5 22, चलो इसको सरका ही लेते हैं आगे, ये यहाँ पहुँच गए हम। ओके ये पहले 6 लिया, 6 के बाद 2 फिर 23 फिर 2 फिर इसके बाद फिर से 23 आएगा, 10 20 और 23, 1 2 3 ये हो गया 23, 23 के बाद 2 फिर से 23 आएगा, ये 5 और 10 15, 15 और 5 20। ओके इसको सरका लेते हैं हम, 23 करना है, 10 10 20 और 21 22 23 23 ये हो गया। और कितनी पट्टियां हैं ये, 1 2 3 4 5 हैं अभी, कितनी हुई हमारे पास, 1 2 3 4, 4 हुई, 4 के बाद 5 लगानी है, 23 लगाएंगे फिर से हम ये ऐसे, 10 20, 1 2 3 ये 23 और ये यहाँ हो गया, और इसके बाद 34 अपने आप बच जाएगा ये, ओके अब हम बार बार स्केल यूज़ करने के बजाय आप डिवाइडर या प्रकार की सहायता से इसको लगा सकते हैं। ओके इसके बीच में
लास्ट लाइन है यहाँ पे, ये 23 23 23 23 और ये 34। यहाँ भी ऐसे ही हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, इनको हमने दो दो सेंटीमीटर का बनाना है। ठीक है, तो ये दो दो लंबाई में तो आ गया है, पर चौड़ाई में ऊपर की तरफ से इसको हमने टोटल, ये रहा हमारा 8, 8 में से 2 घटा दिए हमने, 6 बच गए, तो 3 इधर से जोड़ेंगे और 3 इधर से, बीच में 2 बच जाएगा अपने आप। ये पुराना हो गया स्किल कार्ड एक्चुअली, ये यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 3, 3 के बाद 2। ठीक है, 3 और 2, वैसे ही यहाँ भी लगा देते हैं हम, सबसे नीचे यहाँ लगाते हैं, पर यहाँ कहाँ से लगाएंगे, ओके यहाँ से लगाते हैं, 3 लेना इधर को, 1 2 3, 3 3 के बाद 2, 3 और 1 2, ओके। इन सबको आपने लगा देना है, यहाँ पे बॉक्सेस बनेंगे ये, और दूसरी वाली ये है इसका पॉइंट, ओके। ये ऊपर वाली तरफ तो हो गए हमारे, अब ये जो यहाँ प्लान में ये 8 सेंटीमीटर की आई है, ये यहाँ लगी हुई है, ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये 2 2 सेंटीमीटर की, तो ये एक ही सीध में है नीचे को, तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 नहीं दिखाई देंगे, ऊपर से एक ही दिखाई देगी, क्योंकि इसी के नीचे ये एक ही पोजिशन में लगी हुई है, तो यहाँ पर बीच में 2 सेंटीमीटर की पक्की फट्टी आएगी। यहाँ कर देते हैं ये 1 2 3, ये 2, अब ये आपकी स्केल लगभग पूरी हो चुकी है, परंतु एक काम रहता है, यहाँ पर आप देखें साइड में ये जो बीच वाला पोल है, इसको इन्होंने गोलाई दी हुई है ऊपर से, तो इसको आप अपनी मर्जी से गोल कर देंगे। यहाँ बिल्कुल सेंटर में रखें प्रकार को, और इतना खोलें इसको और ऐसे घुमा दें इसको इस तरह से, और बाकी की लाइंस को आप मिटा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी लाइंस बाकी मिटा दी जाएंगी, मैं आपको इसकी फ़ोटो क्लियर भेज दूंगा, अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये आपकी स्केल नंबर 19 कंप्लीट है। ठीक है, थैंक यू।